मैं राजेश शुक्ला आज कानपुर के गंगा बैराज पे आया हूँ। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है और इसलिए हम आए हैं गंगा बैराज। और गंगा बैराज में अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देसी नहीं बल्कि विदेशी भी पर्यटक आए। ये देखिए, इसमें हाँ, इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? मेरा नाम समीर है। हाँ, समीर है और रंगा है, बिल्ला है और ऋतिक रोशन भी है। तो आप देख सकते हैं इतना, और ये है बेटा। तो इतनी गर्मी के बाद जब मौसम अच्छा हुआ है, छोटा चेतक देखिए भाग रहे हैं, चप्पल चुरा के भाग रहे हैं। अटल घाट का मौसम। हाँ, और ये कानपुर का गंगा बैराज का अटल घाट है और अटल घाट पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बाबा जी, ये देखिए कि दो ये शख्स ये नहा रहे हैं और इन्हें डर भी लग रहा है कि पुलिस इन्हें ना पकड़ ले। ये डर डर के नहा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और आप देख सकते हैं कि वो एक मैसेज दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और गंगा बैराज का अटल घाट जो है अपने आप में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना है। और यहाँ पे मैं आपको वो सीढ़ियाँ भी दिखाना चाहूँगा जहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे और वो गिरते हुए बने। आइए आप लोग मुझे दिखाइए चल के। ये लोग लोकल के हैं। आइए, कौन जानता है वो सीढ़ी? आइए आइए बताइए, कौन सी सीढ़ी थी? हाँ, निशान होगा वहाँ पे। ये सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं यही मोदी जी गिरे थे। अब कानपुर की बात ही ऐसी है कि यहाँ जो भी आता है तो कुछ यादें जरूर लेके जाता है। और मोदी जी हमेशा याद रखेंगे कि वो यहाँ सीढ़ियों पे आके लड़खड़ाए थे। और अटल घाट से गंगा बैराज कानपुर नगर के लिए मैं राजेश शुक्ला। और आपसे यही अपील है कि गंगा जी में जब आप आएँ तो गंदगी मत फैलाएं, स्वच्छ जल रहेगा तो माँ गंगा की कृपा आपको प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे।